हे गाइस, मेरे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस ना करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन को दबा दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज देवश्री। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, लेकिन आपको पिंपल क्यों नहीं है? मेरी स्किन तो नॉर्मल है फिर भी मुझे पिंपल है, मेरी स्किन ऑयली है फिर भी मुझे पिंपल है, आपकी स्किन में क्यों पिंपल्स नहीं आते हैं, क्या सीक्रेट है? तो वो सीक्रेट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं एक टोनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो मेरे स्किन केयर का सीक्रेट है फ्रॉम माय चाइल्डहुड, और वो है ये आयुर का टोनर। तो आज मैं शेयर करूंगी इसका फुल रिव्यू और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके इस्तेमाल से कैसे आप पिंपल को अपने स्किन से दूर रख सकते हो। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपकी स्किन कैसी भी हो, नॉर्मल, ड्राई या फिर ऑयली, टोनर आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिंजिंग के बाद जरूर कोई ना कोई टोनर जो आपके स्किन के लिए अच्छा सूटेबल है वो आप जरूर यूज करें। टोनर आपकी स्किन के पीच लेवल को मेंटेन करने में आपको मदद करता है। तो अभी बात करते हैं इस टोनर की। मैं ये टोनर करीबन कितने साल से यूज कर रही हूँ, 12-13 साल से तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसमें एलोवेरा है एंड रोज वाटर है। ये आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट करता है जिससे कि आपके स्किन के जो पोर्स है वो स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और आपके स्किन पे जो भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं सन रेज के, उससे भी ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं एक्ने की। एक्ने को आपकी स्किन से दूर रखने के लिए ये सबसे बेस्ट टोनर है। मैंने आज तक जितने भी सारे टोनर यूज किए हैं सबसे बेस्ट टोनर है ये एक्ने के लिए। अगर पॉजिटिव बात करें तो ये काफी अच्छा टोनर है, बजट फ्रेंडली है क्योंकि ये 100 ml का है, इसका प्राइस सिर्फ 45 rupees है। इसके आप बड़े साइज का भी बॉटल आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान में, कॉस्मेटिक्स दुकान में आपको ये मिल जाएगा। अगर हम नेगेटिव बात करें तो ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको यूज कर लो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ऑलरेडी अंदर में एक ऐसे छेद है इस प्लास्टिक के अंदर ताकि इसको आप यूज कर सको, लेकिन अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो ये अपने आप खत्म होता रहेगा हवा के लाइक टच में आने से। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म होता रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको यूज करने के बाद इस कैप के अंदर में एक छोटा सा कॉटन रख देना, उसके बाद आप इसको टाइट से रख देना ताकि ये आपका अपने आप हवा के टच में आके खत्म ना हो जाए लाइक कैम्फर की तरह। ये ट्रैवल फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि ये लीक करता है। मतलब अभी तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको कैरी कर रहे हो बैग में तो आप देख सकते हो कि ये आपका, आप ले गए पूरा बॉटल, आपका हो गया आधा बॉटल। तो इसीलिए ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, लेकिन घर पे रेगुलर इस्तेमाल के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि कैसे आपको इसको यूज करना है कि आपको पिंपल ना आए, या फिर अगर आपको पिंपल आ गए हैं तो फिर कैसे ये झट से वन नाइट में आपके स्किन से पिंपल को रिमूव कर देगा, वो मैं आपको थोड़े देर में बताती हूँ। लेकिन अभी इस प्रोडक्ट का डिटेल्स मैं आपको पहले दे दूँ। इसका बॉटल आप देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है। इसका जो कलर है ये ऐसे ही पिंकिश टाइप के कलर का आता है। आपको ये रेगुलर आप यूज कर सकते हो, रेगुलर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जो सबसे बुरी बात है वो है पैराबेन, इसमें पैराबेन है। तो अगर आप आपके स्किन में कोई भी पैराबेन यूज नहीं करना चाहते हो तो आप प्लीज इससे दूर रहो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज 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 आप इससे बहुत जितना ज्यादा दूर हो सके आप दूर रहो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आपको पैराबेन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रेडी हो आपकी स्किन में पैराबेन यूज करने के लिए, तो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। इसका जो स्मेल है वो कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस प्रोडक्ट को, अदरवाइज नॉट। चलिए अब दिखाते हैं कि कैसे आपको इसे यूज करना है। इनको आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो उससे। देन आपको यूज करना है इसको, एक कॉटन का पैड ले लीजिए, उसमें आपको इसे ऐसे डालना है एंड देन इसको आपके आपके पूरे चेहरे में ऐसे यूज करना है, ठीक है। ये आपको एक मैट फिनिश देगा। अगर हम बात करें अभी पिंपल्स की, अगर आपकी स्किन में अभी तक कोई भी पिंपल नहीं है, हुए हैं, देन आप इसको रेगुलर यूज करो आफ्टर क्लिंजिंग। रात को आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ऐसे करके आप पूरे स्किन पे यूज कर लो।
अब नाउ अगर आपकी स्किन में ऑलरेडी पिंपल हो गए हैं और कल आपको किसी पार्टी में जाना है या आप चाहते हो कि झटपट आपकी जो पिंपल की साइज है वो झटपट रिड्यूस हो जाए, विद इन हाफ एन आवर रिड्यूस हो जाए, तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो हाँ, वही मैं आपको बताने वाली हूँ. सपोज आपके यहाँ पे एक पिंपल हुआ है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे अच्छे से कॉटन में ले लो और उस पिंपल के ऊपर ऐसे उसको प्लेस कर दो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपको उसे प्लेस करना है और देन आप हाफ एन आवर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो. हाँ ऑब्वियसली ये खुल जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी अच्छे से रिलैक्स कंफर्टेबल जगह पे सो जाओ ताकि ये आपका वहां से ना हिले. हाफ एन आवर के बाद आप जब इसको ऐसे उठाओगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपका जो पिंपल है वो साइज में बहुत ही छोटा हो गया होगा. आप अगर दिन में 3-4 बार इसको यूज करोगे उस पिंपल के ऊपर तो आपका पिंपल झट से वैनिश हो जाएगा. तो है ना ये बहुत ही क्विक एंड इफेक्टिव तरीका पिंपल को हटाने के लिए. तो गाइस मैंने इस प्रोडक्ट का नेगेटिव पॉजिटिव हर बात आपको बता दिया है. नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इसे यूज करोगे कि नहीं करोगे. आई कांट रिकमेंड यू कि आप हाँ ये करो या ये मत करो, दैट इज अप टू यू गाइज. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो. मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care and goodbye.